आपके राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप राजनीति में आने के लिए आप किस व्यक्ति या किस राजनेता से अभी प्रेरित हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हमारे संस्थान के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर और हमारे पुराने साथी भाई संजीत जी हों, चाहे निधि हों, सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रिय छात्र छात्राएं, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण कि युवा जिसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज? युवाओं के लिए जो प्रेरणा स्रोत है, यानी कि जिनकी प्रेरणा से युवा चाहता है कि हम अपने जीवन से भी ऐसी बनाए, ऐसे स्वामी जी की आज जयंती है। और ये देश का सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है कि देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आज हम देखते हैं कि चाहे युवा दिवस की बात हो तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत को हम लोगों ने आदर्श नाम के उन्हें लिया है। यदि योग की बात आई तो योग दिवस के रूप में जो योग हमारे देश की खोज थी, हमारे देश की शुरुआत जिसकी यहां से हुई, लेकिन जब पूरे विश्व ने उसे मान्यता दी, लेकिन समय बदला और 2014 में सरकार बनने के बाद आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। तो ये मुझे लगता है हम लोगों के संस्कार और संस्कृति की जीत। अब धीरे 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 हमारा देश, आप लोगों को पता होगा कि पहले हम लोग विश्व गुरु माने जाते थे, हम लोग कहते थे कि विश्व गुरु यदि कोई देश है तो हिंदुस्तान, हम लोगों को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधन हमारे पास इतने थे। लेकिन मुझे खुशी आज ये बताते हुए कि आज हमारा हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी जो विषय विदोदी जी ने कहा, देखिए, कोई राजनीति में आने का ना तो कभी सोचा था हम लोगों ने, और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे पिताजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे, लेकिन शुरू से ही आर्य समाज, क्योंकि मैं देखता था आर्य समाज के यज्ञ गांव के अंदर होते थे, हम ये आर्य समाज के यज्ञ भी करते थे, लेकिन शुरू से ही मुझे याद भी नहीं है मैं कब से भगवान शंकर की पूजा करता हूं, यानी आर्य समाज का प्रभाव जो आर्य समाज की अच्छाई थी वो हम लोगों ने ली, लेकिन अपनी आस्था का प्रतीक और जो इस सृष्टि के निर्माता है उनको भी याद करने में, तो उस समय ही हम लोग ये सोचते हुए कि हमारे लिए मातृभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक दल चाहे उस समय राजनीति में नहीं थे, लेकिन फिर भी सोच यही थी कि जो दल देश के बारे में बात करे, जो दल हमारी विचारधारा के बारे में बात करे, हमारे संस्कारों की बात करे, हमारी संस्कृति की बात करे, और जो दल जो विचारधारा एकात्म मानववाद की बात करे, जो अंत्योदय की बात करे, अंत्योदय यानी पहली पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति और अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उन दोनों को लाभ मिलना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि पंडित दीनदयाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोगों को धारण करके जो महापुरुष थे, और यदि मैं अपने छात्र राजनीति के टाइम की बात करूं तो मेरे आदर्श चौधरी हुकुम सिंह, आपने नाम सुना होगा, चौधरी हुकुम सिंह जो कैराना से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, उन्हें अपना आदर्श मान के हम लोगों ने राजनीति में काम करना अपना शुरू किया। राजनीति में अपने कैरियर छात्र राजनीति से शुरू किया। मेरा आपसे प्रश्न है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने हेतु आपको किस बात ने प्रेरित किया? एक तो जो भगवान ने लिखा है यानी परमात्मा की जो नियति है, हम लोग उससे अलग नहीं जा सकते। देखिए, राजनीति में इंटरेस्ट था जब मैं इंटर के बाद आया, और राजनीति का मतलब यह नहीं है कि राजनीति का मतलब हम चुनाव लड़े, लेकिन मेरे याद है सॉरी, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, और मुझे लगता है कि 7.5 रुपए फीस आती थी, हम लोग की 6 महीना, जब हम छठी क्लास में पहुंचे तो जिस तरह से क्लास में टीचर सबसे पूछते हैं, सबसे बाद में मेरे से पूछा जाता था,
और उस समय का माहौल भी इस तरह का था, यानी पहले इंग्लिश कमी यदि उन्होंने कोई दिया तो शुरुआत से पूछा गया, तो लास्ट तक होने के बाद मैं से पूछते थे, अब तो कुछ नहीं है, लेकिन उस समय फिर उसी हिसाब से सभी बच्चों को दंड देना होगा। अब वो मैं नहीं चाहता एक्सप्लेन करना चाहता, लेकिन इसी तरह से मैं चाहे सिक्स हो सेवंथ हो यानी नाइन्थ क्लास तक पूरे कॉलेज को टॉप करने, चाहे खेल की बात हो, कभी स्पीच की बात आती थी क्योंकि पिताजी प्रिंसिपल रहे तो वो सिखाते थे, तो मेरा कहना है सिर्फ चुनाव करना ही राजनीति नहीं है, देखिए लीडर कौन है, जो घर को अच्छे से चलाना वो भी लीडर है, जो अपना बिजनेस अच्छे से करना वो भी लीडर है, सिर्फ राजनीति क्षेत्र में राजनीति करने वाले लोग ही नेता नहीं है, नेता सभी लोग हैं जो जिस क्षेत्र में है, अब क्लास का मॉनिटर हो क्लास का नेता, हमारे संस्थान का प्रिंसिपल हो संस्थान का नेता। तो उसी तरह से जब हम लोग इंटर करने के बाद, मैं ग्रेजुएशन में आया, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैं चाहता था मेरठ पढ़ना, लेकिन उसी बीच मैंने अप्लाई किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में मेरा ऑपरेशन रिसर्च में एडमिशन हो गया और मैंने लगभग एक महीना वहां क्लास की, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, भगवान ने कुछ और लिखा था, उसी बीच में मेरा एडमिशन फिर यहां पर एमएससी फिजिक्स में हो गया, यानी दिल्ली को छोड़कर मैं मेरठ आ गया। और यह भी सच्चाई है कि मैं जहां से हूं, हमारा दिल्ली हमारे से 17 किलोमीटर दूर है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो भगवान लिखा हुआ है उसको कोई नहीं कर सकता, 17 किलोमीटर दिल्ली हमारे घर से है जहां मेरा गांव है, और मेरठ हमारे गांव से कोई नहीं आता, यानी वो जाते हैं तो दिल्ली जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं, नोएडा जाते थे, लेकिन भगवान को जो मंजूर था मैं दिल्ली में एडमिशन छोड़कर मैंने ऑपरेशन रिसर्च छोड़ा और मैंने यहां पर फिजिक्स में एडमिशन किया। मैं देखता था कि गांव से जो लोग आते थे देहात के लोग, क्योंकि उस समय विश्वविद्यालय की जिस तरह की स्थिति थी, लोग अपनी मार्कशीट के लिए लोग को परेशानी थी होती, कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ और इस तरह की अनियमितता होती थी, तो हम देखते थे कि गांव से कोई अपनी बच्ची के साथ उसके पापा आ रहे हैं भाई आ रहे हैं तो उनके सामने जो परेशानी आती थी, मुझे लगा कि हम लोग को भी इस क्षेत्र में आकर जितना हो सकता अपनी तरफ से सेवा कर लीजिए। उसी समय विद्यार्थी परिषद, और मैं विद्यार्थी परिषद के लिए इतना जरूर कहूंगा, देखिए राजनीतिक दलों के सभी की अपने स्टूडेंट विंग भी होती है, यूथ विंग भी होती है, लेकिन विद्यार्थी परिषद हम क्यों विद्यार्थी परिषद में गए, जब मैं पहले कार्यक्रम में गया विद्यार्थी परिषद के लिए तो सबसे एंट्री में जब प्रवेश हमारा हुआ तो तिलक हुआ, उसके बाद हमने देखा कि भारत माता के चित्र लगे हमारे, चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो चाहे हमारे संस्कार और संस्कृतियों के बारे में वहां पर सब बात, और जो पहले वक्ता थे जिन्होंने पहली बार मेरी जिंदगी में प्रभाव डाला, उन वक्ताओं ने जब बात करी तो उन्होंने कोई आर्थिक या एक दूसरे के लिए बात नहीं, उन्होंने बात करी देश की सीमाओं की बात करी, उन्होंने बात करी आतंकवाद की कि देश किस तरह से आतंकवाद से सीमाओं पर जिस तरह से दूसरे देश हमारे सीमाओं को घेरना चाहते हैं, यानी पहली बार जब वो बात मैंने सुनी तो मुझे लगा कि हम लोग विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ना चाहिए, और मुझे इसलिए भी विद्यार्थी परिषद में जुड़ना अच्छा लगा कि मुझे ये लगा कि जैसे हम लोग यहाँ क्लास लेते हैं ना, यदि राजनीति के बारे में कहीं सिखाया जाता कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, वहां भी इसी तरह से हम लोगों को लेक्चर दिए जाते थे, अलग अलग भाषण के लिए अलग, मैनेजमेंट के लिए अलग, वो सारी चीजें सिखाई जाती थी, यानी सही तरह से किसी दिशा में आपको जाना है तो उसके लिए ट्रेन करना है, वो काम मैंने विद्यार्थी परिषद से सीखा। और जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो भी विद्यार्थी परिषद और सभी लोगों को साथ लेकर, क्योंकि विचारधारा से प्रभावित थे तो इसीलिए विचारधारा का साथ लेकर, लेकिन उससे पहले मैंने संगठन में काम किया, चुनाव से पहले मैंने जो विद्यार्थी परिषद का संगठन है उसमें काम किया, उसके बाद में शासन का चुनाव लड़ा। Explain the main reason.
कल भी एक सेशन था, शिक्षा हमारे पास जो डिग्री है जरूरी नहीं है कि नौकरी में हमारे काम आए या ना आए, लेकिन हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। हम जो भी बात करते हैं, जो काम करते हैं, उसमें आपकी जो शिक्षा वो दिखाई देती है। ये डिग्री जो है जरूरी नहीं है कि डिग्री होने के कारण ही हम नौकरी पा सकते हैं, लेकिन डिग्रियों का जिंदगी में इसलिए महत्वपूर्ण योगदान है कि हमारा हर वो काम जो हम करते हैं उसमें दिखाई देता है कि हम शिक्षित हैं या नहीं है। तो इसलिए डिग्रियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और दूसरे वाला भी ये समझता है कि देखिए पढ़े लिखे लोग हैं तो बात भी ठीक करेंगे, हमारे खुद की भी इमेज बिल्डअप होती है इससे, इसलिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। और नहीं तो राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं, आर्थिक क्षेत्र में आप लोग देखेंगे जो लोग बिजनेस करते हैं जरूरी है वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनकी शिक्षा कम है लेकिन कामयाब हो गए, लेकिन मैक्सिमम लोग जो महारत हासिल जिन लोगों को है जिन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की है वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। थैंक यू सर। कि आप राजनीति काल में अब से लगभग 20 साल को शुरू हो चुका है, ऐसे में माननीय आप अवगत कराएं कि आपका ऐसा कौन सा क्षण था जिसे आप अपने राजनीतिक काल का स्वर्णिम क्षण कहेंगे। माननीय इसी के विपरीत मैं आपसे यह जानने के लिए भी उत्सुक हूँ कि आपका ऐसा कौन सा क्षण था जिसे आप अपने राजनीतिक करियर का सबसे निम्न क्षण कहेंगे। धन्यवाद। आपने किया है, यानी सबसे अच्छा फल भी और सबसे बुरा फल भी। मुझे लगता है कि जब हम लोग विश्वविद्यालय में आए, अभी कल मेरे दो सीनियर भी आए हुए थे और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि विश्वविद्यालय कैंपस की यदि मैं बात कर रहा हूं तो विश्वविद्यालय कैंपस का उस समय यह माना जाता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में, चाहे जम्मू हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, वहां तक के बच्चे कैंपस में पढ़ने आते थे। और कैंपस को एक इस नजरिए से देखा जाता था कि कैंपस में पढ़ने वाला है तो अच्छा स्टूडेंट होगा, यानी लोग ये कहते थे कि पूरे पश्चिम की क्रीम यदि कहीं पढ़ते तो यहां पढ़े। लेकिन मुझे कुछ इस बात के कि वो क्षण मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, उस समय जो निर्णय हम लोगों ने करवाए शासन अध्यक्ष रहते हुए, मुझे खुशी है इस बात की कि ग्रामीण स्तर से निकलकर आने वाला बच्चा जो ग्रेजुएशन में जिसकी संसाधनों के अभाव में या और किन्हीं कारणों से जो एलिजिबिलिटी हमारी लेक्चरशिप की होती है वो नहीं हो पाती थी, हम लोगों ने आग्रह किया, सीनियर से बात की और मैंने कुलपति से बात करके उस समय एक डिवीजन इंप्रूवमेंट की मैंने निर्णय कराया। और मुझे खुशी है बताते हुए कि उस डिवीजन इंप्रूवमेंट के बाद हजारों ऐसे स्टूडेंट हमारे ग्रामीण क्षेत्र के होंगे जो आज लेक्चर होंगे। तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे अच्छा पल ये था। एक बात और मैं मानता हूं कि देखिए जब भी कोई जिम्मेदारी हमारे पास है उस जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही जरूर होनी चाहिए। पहली बार विश्वविद्यालय के इतिहास में हम लोगों ने छात्र पंचायत कर हमने कहा देखिए आपने हम लोगों को 6 महीना पहले अध्यक्ष बनाया, महामंत्री बनाया, ये मेरी टीम है, मैंने 6 महीना में क्या किया मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, और आपके कोई क्वेश्चन मुझसे हो तो 6 महीना के बीच में कुछ गलत मुझसे हुआ सही हुआ या आपके कुछ सजेशन है तो आप बताइए। यानी समय समय पर आपको अपना आकलन करना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। यदि मेरे पास कोई जिम्मेदारी तो मुझे लोगों के प्रति जवाबदेही है मेरी कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैंने ये किया है, इसमें कुछ और सुझाव हो सकता है तो बताइए। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय का वो समय मेरे लिए स्वर्णिम था, चाहे मैं विधायक बना या उसके बाद मंत्री बना, लेकिन मुझे लगता है कि वो समय जो था क्योंकि उस समय मेरी शुरुआत हुई थी वही ऊर्जा जो मुझे आगे बढ़ाते थे। और मुझे आज भी खुशी होती है कि हो सकता है मैं मंत्री हूं, लेकिन आज भी मैं जहां देश के किसी हिस्से में जाता हूं तो मुझे कैंपस का पढ़ने वाला कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर मिलता है। तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार का सदस्य यहां पर है तो मुझे लगता है विश्वविद्यालय के साथ ही मेरे लिए आज भी मेरी ताकत है। यदि मैं बुरे क्षण की बात करूं तो 2012 में मैंने सोचा भी नहीं था, बस मैं प्रयास कर रहा था। 2012 में मुझे विधानसभा के लिए घोषित कर दिया गया कि आपको मेरे दक्षिण से चुनाव लड़ना है। 13 दिन तक मैंने पूरा प्रचार किया, लेकिन 13 दिन बाद रात में मेरे पास फोन आता है कि अभी अपना प्रचार रोक दो, सुबह तुम्हें आना।
तो जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि कुछ वरिष्ठ लोग अभी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आपके कारण आपके पास तो समय है अभी, लेकिन उन लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए मौका उन्हें मिलना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब आप ही लोगों ने मुझे मौका दिया है, आपका जवाब इस मैं करूंगा। और मुझे ये बताते हुए आपसे जरूर क्योंकि मैं डिस्कस करना चाहूंगा, उस समय जिन्हें मैं अपना आदर्श और सब कुछ अपना मानता था कि इन्हीं के कारण मेरी मदद हुई, उन्होंने भी मेरे से ये कहा कि सुमित्र अब इस पार्टी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, यानी तुम्हारा टिकट जहां से कटा है वो इतनी बड़ी तरीके से कटा है कि अब भविष्य में तुम्हारा यहां से कोई भला नहीं हो सकता। यानी सीधे सीधे उन्होंने मेरे से ये भी कहा कि तुम जिस पार्टी में जाना चाहते हो वहां हम बात कर लेंगे, तुम्हारा वहां पर एडजस्टमेंट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बस, यदि मेरे पार्टी में होगा तो मैं यही प्रयास करूंगा और इसी पार्टी में काम करूंगा। और मैंने फिर से अपना काम शुरू किया और मुझे कहते हुए खुशी है कि 12 के बाद फिर सत्रह का अवसर मिला। तो मुझे लगता है कि अपना जो टारगेट है ईमानदारी के साथ हमें उस पर काम करना चाहिए, बाकी तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए, अपनी तरफ से लेकर पूरा प्रयास करना चाहिए। यानी वो क्षण जब आपको ये लगे कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप जो कर सकते थे आपने सब प्रयास कर लिए, आप जितनी मेहनत कर सकते थे जिन लोगों से बात कर सकते थे उसके बाद भी यदि परिणाम सकारात्मक नहीं है तो भगवान की इच्छा ही है, वो मान के स्वीकार करते फिर अपने काम पे लगना चाहिए। तो मुझे लगता है वो सबसे बुरा क्षण भी मेरे लिए था और मुझे लगता है कि उसी में, क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता कि यदि स्टेमिना बनाने की हम लोग बात करते हैं ना कि स्टेमिना कैसे बढ़ता है, जब कोई दौड़ने वाला जो हमारा प्रतिभागी होता है जो दौड़ लगाता है या कोई भी गेम हो उसमें एक क्षण ऐसा आता है जब बिल्कुल जवाब दे जाती है, हिम्मत ये कहती है कि बस इससे आगे बस की गई है, इस आगे नहीं कर पाने के हम लोग, ये मेरे लिए लास्ट है। उस समय यदि हम हौसला दिखाए और हम ये कहें नहीं अभी और आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है वो भी स्टेमिना बढ़ा। जब लास्ट में आपके पास फुल स्टॉप की स्थिति हो उस समय हम आगे बढ़े तो मेरे मुझे लगता है कि वो हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा क्षण भी हो सकता है और वो बुरा क्षण भी है, जब रुक जाए तो बुरा है और उसे आगे मान के हम लोग चले कि नहीं अभी हमें इसे भी पीछे छोड़ना है तो मुझे लगता है वो अच्छा होगा। देखिए जो आपका क्वेश्चन है मुझे लगता है कि जब हम जिस काम में हमें अपना 100% उसी पर देना चाहिए। जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में होता हूं तो चाहे पीछे कुछ भी हो रहा हो और मैं लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूं 2009 में मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री था, हमारा अधिवेशन हो रहा था मथुरा में, मैं उस अधिवेशन में था, उसी बीच में कॉलेज का पैनल लग गया और कॉलेज में पैनल था बीएड का और बीएड का मतलब उस समय यह था कि बीएड आना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था किसी संस्थान के लिए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्योंकि वहां पर थी तो मैंने अपना वो काम, क्योंकि वहां पर मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने यहां रिस्क लिया लेकिन मैंने वहां काम किया। जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं तो वहां फिर जिस काम में मुझे लगाएगा मेरा 100% मुझे वहां देना है, लेकिन जब मैं कॉलेज में हूं और कॉलेज में कोई काम चल रहा राजनीति का कोई कितना ही बड़ा चल आ जाए तो उस समय फिर मुझे अपना कॉलेज देखना फिर बहुत कुछ नहीं देखना। इसी तरह से परिवार में भी, जब परिवार में तो परिवार के साथ, लेकिन जब परिवार से अलग है तो जिस काम में उस काम में, यानी जिस काम में आप हो यदि हम खेल में खेल के मैदान में है तो फिर बाहर कुछ नहीं होता, फिर हम खेल के खिलाड़ी है, हमें खेल खेलना आता, यानी जिस काम में आप हैं उस काम को 100% देना चाहिए और यदि हम उस काम में 100% देंगे तो मुझे लगता है हम लोग बैलेंस कर सकते हैं सब चीज। इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही जिससे यह समर्पित होता है कि आपकी और मुझे लगता है कि बड़े बड़े महर्षि और बड़े बड़े विद्वान लोगों ने कहा है कि यदि हमारा स्वस्थ तन होगा तो मन स्वस्थ रहेगा। और अभी मैंने तो सोने की चिड़िया की बात कही ना, उसका मतलब ये नहीं था कि सोना ही सोना था, उसके पीछे भी उद्देश्य यही था मेरा कहने का कि हमारे पास आयुर्वेद से लेकर प्राकृतिक शिक्षा से लेकर वो जो शिक्षा पद्धति थी हमारी चिकित्सा की उसी के कारण हमारे लोग स्वस्थ थे
और जब हम स्वस्थ होंगे तो मुझे लगता है कि स्वस्थ व्यक्ति सबसे धनी होता है। इसीलिए और खिलाड़ी के बारे में कहा जाता है कि अभी आज भी मैं देख रहा था, क्योंकि आज स्वामी जी के जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर मैराथन दौड़ थी। एक खिलाड़ी लगभग मैंने देखा कि जो प्रतिभागी दौड़ में हिस्सा ले रहे थे, जब रेस की शुरुआत हुई तो वो आगे दौड़ गए, लेकिन मैं पीछे देख रहा था, एक डेढ़ दो किलोमीटर भी एक पीछे दौड़ रहा है। मैंने कहा देखिए महत्वपूर्ण इसका दौड़ना है, इसे पता है कि ना तुम फर्स्ट आ रहे हो ना सेकंड आ रहे हो ना थर्ड आ रहे हो, क्योंकि डेढ़ किलोमीटर का गैप है इसके और उनके बीच में, लेकिन ये फिर भी दौड़ रहा है, इसे अपनी दौड़ पूरी कर दी है। ये होती है टीम स्पिरिट, खेल की भावना, खेल के प्रति समर्पण, कि यदि मैं किसी काम पे हूं तो मुझे काम पूरा करना है, हार जीत अलग विषय है। और यदि मैं खेल की बात करी तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ भी काम करें हम लोग, लेकिन कुछ ना कुछ समय हमें जरूर अपने दिन का खेल के लिए देना चाहिए। अभी खेल विश्वविद्यालय की बात हुई, पंजाब हरियाणा, एक और ऐसा था कि ये दोनों प्रदेश ये मानते थे कि खेल का मतलब सिर्फ यही प्रदेश है, लेकिन पंजाब नशे के कारण उसकी आदत जो खराब हुई, हरियाणा भी वो स्थिति चल रही है। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि सबसे ज्यादा यदि खिलाड़ी किसी क्षेत्र से निकलकर जा रहे हैं तो हमारे पश्चिम क्षेत्र से निकलकर, आज ये पश्चिम का क्षेत्र खिलाड़ियों के लिए जिस तरह से आगे बढ़ाने का अवसर देना। मैं 2017 में सरकार बनने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे खिलाड़ी आगे निकलते हैं, खेल का विश्वविद्यालय भी मेरठ के अंदर होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि 2017 के शुरुआत में जब मैंने प्रयास किया वो 2022 जनवरी में, यानी पूरा कार्यकाल होते होते उसकी शुरुआत हुई। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि खेल विश्वविद्यालय, क्योंकि खेल विश्वविद्यालय इसलिए भी जरूरी था कि आज आपके खेल के प्रोडक्ट सिर्फ देश नहीं विश्व में भी आप देखते होंगे कि बड़े से बड़ा बैट्समैन यदि बैट लेकर जाता है तो आपके मेरठ का बैट लेकर जाता है। और मेरठ इसलिए भी हम लोग को ध्यान होना चाहिए, जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात आई पूरे प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर जिले से एक उत्पाद लेना है जो उस जिले की, हम ये मान के चले कि इस जिले का प्रमुख उत्पाद है। कुछ जिले ऐसे थे कि जिनका उत्पाद ढूंढने से नहीं मिल रहा था कि इन्हें दे तो क्या दे, लेकिन मेरठ में 5 ऐसे प्रोडक्ट थे जो 5 क्षेत्र ऐसे थे जिनमें हम मेरठ को उन 5ों में कह सकते थे कि चाहे कैची की बात करें, चाहे हम गोल्ड ज्वेलरी की बात करें, चाहे हम लोग बात करें तो ये अपना टेक्सटाइल क्षेत्र में बात करें, खेल के मैदान के खेल के क्षेत्र की बात करें, तो ये खुशी की बात है कि हम ऐसे क्षेत्र में हैं। और ये मान के चलिए सिर्फ खेल नहीं, मेरठ यदि आप जिस क्षेत्र में चाहें यानी सबसे उपजाऊ भूमि यदि कहीं की है तो हमारे मेरठ गंगा जी और यमुना जी के बीच की धरती का स्वर्ग यदि कहीं है तो वास्तव में हमारे क्षेत्र, ये हम लोगों को याद रखना चाहिए हमें अपने क्षेत्र को। और मैं तो हमेशा ही बात करता सबसे अच्छा घर कौन सा, अपना घर, सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा, अपना क्षेत्र, जो जहां पर आप हो उसके ऊपर हम लोग को अभिमान होना चाहिए, हम लोग को होना चाहिए कि हम सबसे अच्छी जगह। तो इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। पृष्ठभूमि के बारे में मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ और यह भी जानने के लिए अति उत्सुक हूँ कि आपके परिवार में आपको यहाँ तक लाने के लिए सर्वाधिक योगदान किनका रहा है। धन्यवाद। देखिए कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हर किसी की भूमिका होती है। यदि मैं परिवार की बात करूं तो मुझे लगता है राजनीतिक क्षेत्र में जब मैं शासक का चुनाव लड़ रहा था, यानी चुनाव का पर्चे भरने नहीं, मैं कह रहा मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे परिवार वालों को पता चला कि मैं राजनीति करता हूं, उन्हें पता ही नहीं था कि मैं छात्र राजनीति में। और मैंने कभी भी देखिए सभी आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, मैं एक बात ईमानदारी से कह सकता हूं कि मेरा रिश्ता भी बैठा हुआ है, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन मैंने कभी राजनीति में अपने अपने परिवार को इन्वॉल्व नहीं किया।
यानी आप देखते होंगे कि कोई भी कॉलेज चलाने वाला जब उसे आवश्यकता होती है तो अपने स्टूडेंट्स को लेके जाता है, लेकिन आज तक मैं 2005 से लेकर 2022 आ गया, मैंने कहीं कोई भी कार्यक्रम हुआ मैंने अपने बच्चों को कहीं वो नहीं किया ना करूंगा। हाँ इतना करूंगा यदि कोई अच्छा मुझे लगता है कि कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, आपको कोई अच्छी प्रेरणा दे सकता है, उसे आपके बीच में लेकर आऊंगा। आपको सुनने के लिए कहीं मुझे दिल्ली भेजना है एक अलग बात है, लेकिन मैं अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहीं अपने स्टाफ अपने बच्चों का मैं नहीं चाहता कि वो कभी बोल हो। इसी तरह से लोग कहते हैं, अभी मैं ताजा उदाहरण दूं आपको, मेरठ में मेयर की बात आई, लोगों ने कहा ओबीसी होगी ये सीट, मेरे से संसद में भी ऊपर लोगों ने कहा कि अपने परिवार से कोई नाम बताइए आपको लड़ाना, मैंने कहा नहीं राजनीति मैं करता हूं, मेरा परिवार हम किसी और को मौका देंगे जो राजनीति कर रहे हैं, हमारे ओबीसी समाज के जो लोग होंगे उन्हें मौका देंगे। राजनीति में ऐसा नहीं है कि हम आरक्षण नहीं हो सकता कि ये मान के हम लोग चले कि मैं कर रहा हूं तो मौका मिले तो मैं अपने परिवार को दो अपने भाई को दो नहीं। और आपने देखा होगा यदि कॉलेज की बात आती है, अभी तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं, कोई भी मेरे परिवार का व्यक्ति मेरे किसी भी कॉलेज में बोल नहीं, यानी उनका कोई निर्णय नहीं चलता, निर्णय चलता है तो आप लोगों का तो चल सकता, परिवार का निर्णय नहीं चलेगा। मुझे देखना है जहां जिसकी उपयोगिता है, परिवार की बात है तो परिवार का देखेंगे, लेकिन यदि यहां देखना है तो यहां हम खुद लोग देखेंगे। इसीलिए मेरा प्रयास है परिवार अलग, राजनीति अलग, व्यावसायिक क्षेत्र अलग, सब चीजें अलग अलग करके हम लोगों को काम करना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आप व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक कौन सा खेल पसंद करते हैं, इसी के साथ साथ वे कौन से खिलाड़ी हैं जो सदैव आपको प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। देखिए जो एथलीट वाली बात है, मेरा जितना ध्यान है ऐसा कोई खेल नहीं जो मैं नहीं खेल सकता। और मेरे आज भी ध्यान है, जब विश्वविद्यालय में मैं अध्यक्ष तो नहीं था, अध्यक्ष से पहले एक स्पोर्ट्स कमेटी बनी थी वहां पर, और उस स्पोर्ट्स कमेटी में मैं सेक्रेटरी था। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने पिछले 10 साल से जो विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों का पैसा जमा था, यानी एक स्पोर्ट्स का फंड अलग जमा होता था, जब मैंने पता किया तो वो बात होंगी लगभग 2000 या 2001 की, मुझे लगता है कि लगभग 1.5 या 2 लाख रुपए था उस समय। मैंने कहा कि ये स्टूडेंट्स का पैसा तो स्टूडेंट्स का खर्च होना चाहिए। हम लोगों ने कुलपति से आदेश कराया और मेरे ध्यान है कि उस समय जितने खेल हुए हमने सारा खेल का सामान नया मंगाया, जितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट हुए हमने सबके लिए किट मंगाई, और यहां तक कि मैंने कहा जूस से लेके ये सारा पैसा खर्च होगा आप पे, उन बच्चों के लिए वो किया। और मेरे ध्यान है कि उस समय भी चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे हाई जंप हो, चाहे जेवलिन थ्रो हो, चाहे रेस की बात आई, ऐसा कोई एथलीट का वो नहीं था जो मैंने नाम किया। और उस समय भी क्योंकि क्रिकेट के प्रति पहले से ही मेरा रुझान था, तो साइंस फैकल्टी का भी हमारे सीनियर आए हुए थे, हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के थे दबाल जी और जूलॉजी के थे अरुण जी, साइंस फैकल्टी थी तो साइंस फैकल्टी के कैप्टन के रूप में, लेकिन मैं क्रिकेट में भी था, मैं कबड्डी में भी था, बास्केटबॉल के हम लोग, मैंने कहा कोई ऐसा गेम नहीं जिसे ना खेला हो, सारे गेम हम लोग खेलते थे। तो मेरा प्रयास रहता है खेल कोई भी हो, देखिए समय लगता है, हम यदि प्रयास करें तो किस कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, तो मेरा प्रयास रहा। और खेल के प्रति मैं जरूर ये मानता हूं कि हम कुछ भी करें लेकिन खेल जरूरी है, हम लोग के लिए खेलना जरूर चाहिए हम लोग को, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी वो हर परिस्थितियों से जूझ सकता है, उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा जीतता नहीं और हमेशा जीतने वाला कामयाब नहीं हो सकता। देखिए बीच बीच में यदि आपकी पराजय नहीं होगी, आप हारेंगे नहीं तो आपका मन मजबूत नहीं होगा। मैंने कहा हमेशा हम अच्छा अच्छा समय देखते रहे वो भी ठीक है, बुरा समय जिंदगी में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरे समय
आंतरिक रूप से हमें मजबूत करता है, लोगों का पता चलता है। इसलिए हर परिस्थितियों से हमें देखना चाहिए, हर परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वह संस्थान में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं की ओर से होगा। वह यह है कि मानिए आप मेरठ में निवास करते हैं, फिर भी आपने अपनी उद्यमिता के लिए मवाना खुद जैसे ग्रामीण प्रवेश को चुना। क्या शैक्षणिक संस्थानों के लिए ग्रामीण प्रवेश को चुनने के पीछे कोई मुख्य उद्देश्य था? धन्यवाद। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मैंने राजनीति को भी देखा, व्यवसाय क्षेत्र में भी देखा और नौकरी करके भी देखा, पढ़ाई भी की। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक कहावत है गांव में कि किसान के जो भावना होता है ना, वो भावना जो देखा होता है सामने उसे बहुत आसान लगता है उछला। हमें हर किसी को दूसरे का काम बहुत आसान लगता है। यदि मैं राजनीतिक क्षेत्र में देखूं तो कोई भी आसानी से कह देता है नेताओं को कोई काम नहीं होता, कुर्ता पजामा पहने नेता बन गए होंगे। मैंने कहा कि मैंने पढ़ाई भी की, जॉब भी की, अपना बिजनेस भी किया, लेकिन एक बात मैं पढ़े निवेदन के साथ आपसे कहना चाहता हूं, खुद अपने ऊपर जो एम्प्लॉय किया है, सबसे आसान काम यदि कोई है तो पढ़ना है। पढ़ते समय हमें जरूर लगता है कि बहुत कठिन काम है, लेकिन जब आप आगे बढ़ो, मैंने कहा इससे अच्छा काम नहीं है, इसके लिए कोई संसाधन की ऐसी आवश्यकता नहीं है। कोई मौसम नहीं देखा जाता, गर्मी है, बारिश हो रही है, चाहे मौसम बाहर तूफान आ रहा है, लेकिन पढ़ाई के लिए एक कमरे के अंदर बैठ के आप टेबल और मेज है तो भी ठीक है, नहीं तो धरती पर बैठ कर भी पढ़ सकते। इससे आसान काम कोई नहीं है। और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि देखिए इस काम को यदि हम ईमानदारी से कर लें, क्योंकि आप लोग मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे पहली बार मैं टक्कर कर रहा हूं। मैं बच्चों से एक ही बात कहता हूं, इंटर के बाद 5 साल का समय आप अपने लिए देखो, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ये 5 साल यदि ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पर फोकस कर दो तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये 5 साल पूरी जिंदगी को स्वर्णिम बना सकते हैं। 5 साल के बाद जो आपकी पूरी जिंदगी है वो गोल्डन पीरियड होगा आपका। लेकिन होता क्या है, लोग इस 5 साल में ये सोचते हैं पढ़ना भी है बाकी काम भी कर रहे हैं, जहां डबल माइंड हुआ हम लोग का वो लोग कहीं भी नहीं जा पाते। अनेक उदाहरण मैं ऐसे दे सकता हूं, और आप मेरे भी उदाहरण छोड़ दो, आप अपने आसपास भी अपने भाई अपने चाचा उनसे पता करोगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे गाँव के हैं वो बता सकते हैं, आपके चाचा बता सकते हैं कि जब हम पढ़ते थे हम ये करते थे, हमने ये किया था और हमें बहुत आनंद आता था। लेकिन यदि आप उनकी आज की स्थिति देखोगे तो लास्ट में वो ये बोलेंगे उस समय यदि हम पढ़ लेते ठीक से तो आज ये हम आते। मेरा निवेदन है, मैंने कहा मेरा तेरे पास सब अनुभव है, जब बिजनेस किया तो बिजनेस में भी आप ये मान के चलो कि 100% देना पड़ता है, अपने काम के प्रति समर्पण चाहिए। और राजनीतिक क्षेत्र में तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सबसे टफ काम यदि कोई है तो राजनीति करना है। हर कोई नेताओं पे क्वेश्चन उठाता है, लेकिन इतना भी जरूर है कि सबसे लास्ट उम्मीद यदि किसी की किसी से होगी तो नेता से ही होगी। सब लोग नेताओं भी कहते हैं यार ये ऐसे, लेकिन जब व्यक्तिगत कोई भी बात आती कहते यार यही मदद कर सकता हूं, कोई नहीं कर पाता। जहां प्रशासनिक लेवल पर आदमी फेल हो जाता है, सब क्षेत्रों में फेल हो जाता है, फिर लास्ट उम्मीद, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत यदि किसी के पास है तो नेता के पास है। और मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि राजनीति में भी समय बदल गया। एक दौर ऐसा था कि राजनीतिक काम करने वाला व्यक्ति 2 साल 1 साल सिर्फ चुनाव में जाते थे, फिर 5 साल गया, लेकिन आज हालात वो नहीं है। आज हर सेकेंडों में आपको अपने आप को दिखाना कि आप हो कहां, आप पब्लिक के बीच में हो या नहीं हो। आपकी मॉनिटरिंग एक जगह से नहीं होती, आपकी मॉनिटरिंग पब्लिक को करती है, सब लोग करते हैं। एक और मैं निवेदन करूंगा, एक व्यक्ति एक स्टूडेंट पढ़ाई करके अधिकारी बन जाए, अधिकारी का जो एग्जाम देगा एक बार ही देगा, एक बार एग्जाम देने के बाद यदि वो पीसीएस बन जाता है तो समय के साथ साथ
प्रमोट होकर वो आईएएस भी बन सकता है, आईएएस में डीएम भी बन जाएगा, कमिश्नर भी बन जाएगा, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाला व्यक्ति है ना, वो आज यानी 22 में भी क्षेत्र में जाना है, लोगों से कहना भी मैंने ठीक काम किया हो तो मुझे मदद करो, मुझे वोट दो, और 5 साल बाद फिर उसी पब्लिक के बीच में जाना है कि मैंने 5 साल अच्छा काम किया हो तो आप मुझे चुनो, नहीं तो पब्लिक नकार देती। हर 5 साल बाद टेस्ट देना पड़ता है, इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे टफ, और इसमें ना कोई पारिवारिक लाइफ है ना कोई व्यक्तिगत लाइफ है, राजनीति में व्यक्ति कहता जरूर है सुबह निकले फिर पता नहीं होता कहां जाता है। हमारे साथ बहुत से लोग कहते हैं कि भाई फोन मिलाया था भैया बात ही नहीं हो पाती आपसे, कोई कहेगा कि आप तो मिलते ही नहीं हो। मैंने 2-4 बार जो ऐसे लोग कहते हैं, एक काम करो मैं सुबह इस समय निकलूंगा आप आ जाना, मैंने उन्हें अपने साथ बैठा, जब रात में 12 बजे वो छोड़ा तो अगले दिन उसे फोन करते रहे, उसे मोबाइल बंद कर दिया। यानी जिस व्यक्ति को लगता बहुत आसान काम हो 2 दिन साथ रह ले तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ राजनीति क्या। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, और खासकर मुझे आज खुशी है इस बात की, देखिए मैं 2 प्रोग्राम में गया सुबह, पहले एक महानगर का कार्यक्रम था तो उसमें भी यदि विनर टीम खोई थी तो गुजरात था, फिर मैं नंगली तीरथ पे अपने जिले का कार्यक्रम था उसमें गया तो उसमें भी हमारा किलोनी का एक लड़का जो रेस हुई 7 किलोमीटर की उसमें नंबर 1 पे यदि कोई तो वो भी हमारा उत्तराखंड था। मैंने तो बात कही थी ना कि सबसे पहले अपने ऊपर अभिमान होना चाहिए, देखिए यदि हम अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे हमें लगेगा कि हम सही जगह हैं, जब तक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर नहीं होगी हम दूसरे को पॉजिटिव नहीं कर सकते, इसीलिए ये मानते हुए देखिए आप वो लोग हैं जो रुद्राट का चेहरा है, हाँ सके प्रिंसिपल मैं सोनू या मैं नहीं जा सकता, लेकिन आप यदि खड़े हुए हो तो इसका मतलब है रुद्राट है, आपका व्यवहार आपका काम करना आपकी पढ़ाई आपके लोग के अंदर प्रजेंस वो सारी मायने रखती है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं। देखिए मैं अपने ऊपर ही कहूं मैंने सब देखा, क्योंकि मैं ये भी कह सकता हूं देखिए क्योंकि अपने परिवार के बीच कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जहां लोगों को ये लगता है ना कि इस तरह की हरकत करने से ये करने से हम ज्यादा अपने आप को बिका सकते हैं, छात्र राजनीति में ऐसा कोई काम नहीं जो ना होता, यानी छात्रों का संघर्ष भी होता है वैसे भी अनेक अवसर मिलते हैं सारे काम देखे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सबसे आसान काम यदि कोई है तो पढ़ाई, एक गलती हमारी जिंदगी खराब कर सकती है लेकिन पढ़ाई में फिर भी यदि हम एक एग्जाम को गलत हुआ दूसरे में तैयारी कर सकते हैं, इसीलिए मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस अपना केंद्र बिंदु यदि खोले तो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। एमएससी गृह विज्ञान प्रथम वर्ष की छात्रा हूं, जैसा कि हम देखते हैं आपके सभी संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों में से 60% संख्या बालिकाओं की है, इसी के साथ साथ सभी शिक्षण संस्थानों का शीर्ष नेतृत्व मातृशक्ति के द्वारा किया जा रहा है, माननीय ऐसे में मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें बताइए कि एक महिला का योगदान समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार का हो सकता है, आपका उत्तर हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने हेतु प्रेरित करेगा, धन्यवाद। सनातन काल से लेकर आज तक महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और मैंने कहा कि नर और नारी दोनों के सामंजस्य से ही दोनों के ताकत से ही सृष्टि चलती है, और मैं कह सकता हूं कि हम लोग तो उस संस्कार और संस्कृति के लोग हैं जो मातृभूमि को यानी सबसे पहले भारत माता का वंदन करना चाहते हैं, हम लोग वो है चाहे जल हो चाहे वायु हो चाहे पहाड़ हो जो हर प्राकृतिक संसाधनों की पूजा करते हैं, यानी हमने हमेशा महिला सशक्तिकरण का यदि कोई देश सबसे बड़ा उदाहरण है तो हमारा हिंदुस्तान है। मैं तो कभी कभी जो राइट साइड में बैठे हुए बच्चे हैं आगे लड़के हैं पीछे लड़की बैठी है, लेकिन कभी कभी कोई कहता है सब लड़कियों के साथ बड़ा गलत हो रहा है महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, मैंने कहा चिंता इधर नहीं है, चिंता तो इधर करनी चाहिए, ये सच्चाई है।
अभी गोल्ड मेडल की बात आई, मैंने कहा 32 गोल्ड मेडल दिए जाते हैं तो उनमें से 29 कौन होती है? खतरा किधर है? उसका कारण है, मैं उसके पीछे की सच्चाई मुझे पता है और हमें मानना चाहिए। देखिए लड़की के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है, कोई कितना ही अपनी बेटी को प्यार करता है लेकिन लड़की को यह एहसास है कि एक गलती यदि मुझसे हो गई तो परिवार माफ नहीं करेगा, मुझे घर बैठा देगा। एक बार में असफल हो गई तो मुझे दूसरा अवसर शायद मिले ना मिले, लेकिन लड़कों के साथ इससे बिल्कुल अपोजिट। एक बार फेल हो जाएगा तो घरवाले कहते फिर से फल, फिर हो जाएगा फिर कहेंगे फिर देख। इसीलिए लड़की उसे गंभीरता से लेती है, वो कहती है एक बार अवसर मिला तो एक अवसर में ही मुझे कामयाब होना है, इसके पीछे ये भी कारण है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, देखिए जब अवसर मिलता है रक्षा की जिम्मेदारी, लोग जैसे कहते हैं ना कि भाई रक्षा कौन कर सकता है, तो हम ऐसा बात करते हैं कि मनुष्य कोई आदमी करेगा, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर कौन रहे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन रहे। मैंने कहा जब बात आई विदेश मंत्री की तो विदेश मंत्री भी महिला, और हमारा ही देश जिसमें प्रतिभा पाटिल जैसी राष्ट्रपति बन सकती, यानी महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण यदि कोई देश है तो हमारा हिंदुस्तान है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, हम किसी की भूमिका को नकार नहीं सकते, लेकिन हर किसी को आगे बढ़ने के लिए अपना प्रयास करना चाहिए। और खासकर मैं ये मानता हूं, देखिए यदि बात आई आपने कहा कि 60% लड़की पढ़ती है, मैं जितना भी हमारा मैनेजमेंट है जितना भी हमारा परिवार के स्टाफ के लोग, मैं एक ही बात कहता हूं कि घर से निकलने के बाद यदि लड़की कॉलेज के लिए आ रही है, वो लड़की अपने घर में जिस तरह से अपने आपको सुरक्षित समझ रही है, यदि वो कॉलेज में है ना तो उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने घर में नहीं, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। मैंने कहा कॉलेज में भी उसे वही माहौल उसके परिवार जैसा मिलना चाहिए, किसी की कोई हिम्मत नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं देखिए यहां कोई किसी भी परिवार से हो हमारे लिए सफर हो रहा है। मैं बैठी हुई मेरी भतीजी थी, खुद पढ़ी यहां पर, लेकिन मैंने पहले दिन ही अपने स्टाफ से कह दिया था दीदी मैं बैठी है छोड़ी थी, मैंने कहा बेशक ये परिवार से हो लेकिन ये मानना कि ये सबसे पीछे है, कहीं ये मुझे दिखाई ना दे जाए कि आप इसे कोई तवज्जो दे। सब बच्चे हमारे लिए बराबर, सब मेरे परिवार के हैं तो मेरी जिम्मेदारी सबके लिए बराबर है, यही हमारे परिवार के जितने भी स्टाफ के लोग उनके भी जिम्मेदारी। जीवन से संबंधित है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप फ्री समय में क्या करना पसंद करते हैं, और उसी के साथ में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता क्षेत्र में क्या योगदान रखते हैं। धन्यवाद। देखिए जी ने जो क्वेश्चन किया है, मुझे लगता है कि जिस तरह की लाइफ में हम लोग हैं, या तो हमें खेल में इन्वॉल्व होना है कहीं भी, और मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये बताते हुए कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अपने परिवार मेरे साथ जितने लोग चलते हैं, मेरे स्टाफ के जो मेरी गाड़ी में मेरे साथ है, उनमें चाहे दरोगा जी हो चाहे हमारा ड्राइवर, सारे के सारे चाहे हम क्रिकेट के हैं तो क्रिकेट खेल लेंगे, सब कुछ ना कुछ खेल से जुड़े हुए सारे लोग, इसी तरह से हमारा यहाँ भी स्टाफ है, तो कोशिश रहती है हम जहाँ भी जाएं अपने आप को व्यस्त रखें। और यदि आध्यात्मिकता की बात करें तो मुझे लगता है कि बिना आध्यात्म के तो कुछ है ही नहीं। कंसंट्रेशन के लिए और मुझे लगता है आत्म शांति और आत्म संतुष्टि के लिए आध्यात्म की बड़ी भूमिका है। और बोसवाल जी मुझे खुद याद नहीं है, मैंने शायद अभी बताया भी आपको, मैं कब से भगवान शंकर की पूजा करता हूं मुझे लगता है कि मुझे भी याद नहीं है। देखिए कोई ना कोई शक्ति का केंद्र ऐसा जरूर हमें मानना चाहिए जिसके प्रति हमारी, जो हमारा इष्ट हो जो हमारा आराध्य हो, तो भगवान शंकर मैं तो मानता हूं। देखिए व्यक्ति सभी मेहनत करते हैं लेकिन यदि मैं आज यहां हूं तो सिर्फ भगवान शंकर के आशीर्वाद से। जानना चाहता हूं कि क्या आपकी व्यवस्था में जिस प्रकार से हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ध्यान भटकाने वाली बहुत सारी बाधाएं होती है, क्या आपकी भी थी, अगर थी तो आपने अपनी व्यवस्था या किस व्यवस्था में इसको किस प्रकार से दूर किया?
माननीय आपका उत्तर हमारी हमारी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रेरित करेगा। धन्यवाद। चाहे किसी भी दौर से गुजर, मन सबका लगभग बराबर होता है, लेकिन कोई ना कोई कारण हमें जरूर ऐसा ढूंढना पड़ता है जिसके कारण हम बच जाए। हमारे आपको बताया जैसे शुरुआत में कि मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, हमारा भी मन करता था सारे काम करें, लेकिन जैसे ही हम गांव में निकलते थे तो गांव में जिधर को गए तो सामने वाला कहते थे भाई ये बाबूजी के बेटे, तो जो मन में होता था वो भी खत्म हो जाता था, लगता था भाई हमारा कुछ नहीं है, लेकिन पिताजी की इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। मैं विश्वविद्यालय में आया तो विश्वविद्यालय में आने के बाद बहुत अलग अलग परिस्थितियां रही, अलग बहुत संघर्ष हुए, लेकिन वहां भी ये रहता था समय से, क्योंकि यहाँ पर जो आप डिपार्टमेंट के हेड है फिजिक्स के, मैं उनके साथ रहता था, तो हमेशा ये डर रहता था यार मेरी बात उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए, तो डर ये रहता था अपने कारण, अपने आप को तो हम झेल सकते हैं, लेकिन मेरे कारण मेरे परिवार का मेरा नाम, उनकी वजह से उन्हें ये ना लगे कि मेरे कारण उनका नाम खराब हुआ है, तो हमेशा वो डर मेरे सामने रहता था कि मेरी वजह से मेरे परिवार का नाम खराब ना हो, उसी को समझते हुए मैं आगे काम करता था। If you are working and taking responsibility of your political work, and suppose you have a better responsibility than your family, suppose that you have to go to your family, then how do you tackle the situation of the both side? And your answer will give us a correct direction towards our future. Thank you very much. लगता है देखिए इसका सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। मैंने कहा जब परिवार के बीच में परिवार और राजनीति दोनों का यदि सामंजस्य हमें बैठाना, तो मैंने कहा ना जिस परिस्थिति में है उस समय उस परिस्थिति को 100% हमें देना, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में तो राजनीति के साथ न्याय करें, परिवार के साथ है तो परिवार के साथ न्याय करें, और जब हम क्षेत्र में है तो जिन लोगों ने मुझे चुना है मैं उनके साथ न्याय करना चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको शैक्षिक संस्थान बनाने के लिए किसने सबसे ज्यादा प्रेरित किया, किसकी अत्यधिक सहायता और मार्गदर्शन आपको शैक्षिक संस्थान बनाने में प्राप्त हुई? आपका महत्वपूर्ण उत्तर हमें जीवन में अच्छे उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। देखिए अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना और छात्र नेताओं के साथ खासकर एक ही चीज रहती कि जो लोग छात्र राजनीति कर रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, वो करते क्या है ठेकेदारी करेंगे, क्या करेंगे प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे, क्या करेंगे कुछ ना कुछ इसी तरह का काम करते हैं। हमें भी मौके दिए, हमें भी कहा कि ये ऐसे प्रॉपर्टी बड़ी ऐसे, मैंने कहा मेरी शुरुआत से इच्छा यही थी। मैंने कहा ना कि 2005 में जैसे मैं अध्यक्ष का मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, कार्यकाल पूरे होने के बाद या तो मैं चाहता था, मेरी पसंद थी कि मुझे प्रोफेशन होगा तो लेक्चरशिप में मुझे जाना है, उसके बाद अवसर मिला तो मैंने कॉलेज की तरफ ही, क्योंकि मेरी अपनी सोच है एक तो हमेशा युवाओं के साथ बैठने का अवसर, समय समय पर युवाओं की जो भावनाएं हैं, और मैंने जो अपग्रेड वाली बात करी, देखिए जो जनरेशन गैप आता है ना उस गैप को दूर कर कैसे कर सकते हैं हम लोग, आज का युवा क्या चाहता है, 20 साल पहले सोच क्या थी, आज की सोच क्या है, 20 साल बाद क्या सोच होगी, मुझे लगता है कि इस फील्ड में हम लोग को उसमें सबसे ज्यादा सुविधा होती है, अपने नौजवान साथियों से अपने नौजवानों से मिलने का अवसर मिलता है, उनके साथ नई नई चीजों पर हम लोग काम करते हैं और पता रहता है कि अब किस दौर से हम गुजर रहे हैं, अब किस तरह की टेक्नोलॉजी है, हम उनके साथ सबके फैमिली में सकते हैं। मेरा प्रश्न भी आपसे आपके उद्यमिता क्षेत्र से ही है, माननीय मैं जानना चाहती हूँ कि आपने अपना सबसे पहला शैक्षणिक संस्थान बनाया तो वह कौन कौन सी समस्याएं थी जिनका आपको सामना करना पड़ा और किस तरह से आपने संस्थान बनाने हेतु अपनी वित्त व्यवस्था का प्रबंध किया, कृपया उचित मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। पहले मेरा कोई ऐसा मन था कि हमें कॉलेज बनाना है, लेकिन जब मैं अध्यक्ष था उसी समय एक ऐसा दौर आया, कॉलेजों की शुरुआत हुई थी, तो उस समय जो चांसलर वाइस चांसलर थे उन्होंने मेरे से कहा कि सोमेंद्र तुम एक काम करो कॉलेज की शुरुआत करो। मैंने कहा नहीं गुरुजी, कॉलेज मैं किसी वर्ग विशेष की नहीं करा, मैंने कॉलेज तो गुरुजी कुछ और लोगों का काम है, हम तो गांव के रहने वाले हैं, ये काम हम नहीं कर पाने के, मैंने कहीं नौकरी देखेंगे कहीं नौकरी करेंगे सर।
उन्होंने कहा नहीं नहीं शुरुआत करो तुम। देखिए प्रेरणा तो मुझे उन्होंने ही थी, मैंने शुरुआत की। लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि जब भी किसी काम की हम शुरुआत करते हैं तो देखिए भगवान पूरी परीक्षा लेता है। अभी हमारे ऊपर है कि हमें कैसे फेस करना है। शुरुआत हुई, परेशानी आई, लेकिन भगवान ने हमारा फिर सहारा बनकर भगवान का आशीर्वाद ताकत दी और एक बार शुरुआत हुई तो काम आगे करते रहे हम लोग। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी दृष्टि में राष्ट्र निर्माण में युवा की क्या भूमिका होनी चाहिए और वह ऐसा क्या करे कि अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सहायक बन सके। धन्यवाद। देखिए यदि युवाओं की बात करें, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यदि भूमिका किसी की तो युवाओं की। कभी भी कोई क्रांति हुई, कभी भी कोई बदलाव हुआ, तो सबसे ज्यादा उम्मीद यदि किसी से रखी गई तो हमेशा युवाओं से रखी गई। युवा क्यों? सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके अंदर होती है? सबसे अच्छी सोच, यानी युवा सोच किसकी हो सकती है? युवाओं की हो सकती है। मैं हमेशा एक आग्रह करता हूं, देखिए जो हमारे अनुभवी लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, जिन्होंने प्रैक्टिकली सब चीजें देखी है, उन लोगों के अनुभव का हमें फायदा उठाना चाहिए। और युवाओं की ताकत, उनकी ऊर्जा, दोनों का समन्वय बनाना चाहिए हम लोग। और राष्ट्र निर्माण का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे हमें मिलिट्री में भर्ती होकर हमें सभी सीमाओं पर जाना चाहिए, या ये भी नहीं है कि सारे के सारे सब लोगों को नेता बन जाना चाहिए, पॉलिसी हम ही बनाएंगे, नहीं। या ये भी नहीं है कि सारे सारे इंडस्ट्री बना दें हम लोग। देखिए मतलब क्या है राष्ट्र निर्माण में भूमिका का, मतलब क्या है? यदि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं अपनी पढ़ाई में 100% हूं, तो मुझे लगता है कि यह भी अपने राष्ट्र निर्माण का भूमिका है। मैं पढ़ाई करते हुए वैज्ञानिक बनूं या अच्छा उद्यमी बनूं, चाहे अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनूं, या मैं कहीं किसी डिफेंस सर्विस में चला जाऊं, जहां भी जाऊं, लेकिन 100% वहां दूं, तो मुझे लगता है कि युवा इसलिए क्योंकि युवा निर्माण की तरफ आगे बढ़ता है, युवा निर्माण करता है। आप बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते, आप बुजुर्ग से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बुजुर्ग को यह पॉलिसी बना दे, बुजुर्ग ऐसा कर देगा, लेकिन युवा वो है क्योंकि वो आप आगे की दिशा में है, वो उस एज में है कि युवा का मतलब युवा जब है तो युवा का एहसास होना चाहिए कि युवा ताकत यहां पर है तो वो परिवर्तन कर सकती है। ये एहसास के साथ हम जो काम करें उसमें अपना 100% दें, मुझे लगता है अपने आप राष्ट्र निर्माण हो जाएगा। देखिए यदि मैं उद्यमी की बात करूं, उद्यमिता की बात हम लोग करें, तो उसमें हो सकता है कि हमारा क्षेत्र सीमित हो, लेकिन यदि मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात करूं तो राजनीतिक क्षेत्र में सेवा के सारे विकल्प खुले हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हम कोई भी अभियान चला सकते हैं, हम सफाई का अभियान भी चला सकते हैं, हम लोग कहीं दिक्कत है तो वस्त्र बांटने का भी चला सकते हैं, कहीं भोजन की दिक्कत है तो भोजन भी कर सकते हैं। मैंने कहा राजनीति अपने आप में ही संपूर्ण है। कोविड के दौरान राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम हो सकता है उद्यमी रहते हुए हम कुछ ना कर पाए, हो सकता है कुछ लोगों को पैसे दे सकते हैं सिर्फ, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास जो हमारी संगठन की यूनिट है, हम लोग हर घर घर तक हम लोग भोजन पहुंचा पाए। हम लोगों ने उस समय भी, क्योंकि मैं राजनीति में था, प्रशासन हमारा था, संगठन हमारा था, तो हम लोगों ने मंडल स्तर पर, वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर, कोई घर ऐसा ना बचे जहां भोजन की दिक्कत आए, कोई घर ऐसा ना हो जहां दवाई की दिक्कत हो, कहीं ऐसा कोई घर ना हो जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर की दिक्कत हो। वो काम हम राजनीतिक क्षेत्र में ही कर सकते थे, क्योंकि उद्यमी कोई कितना भी पैसे वाला था, आपने देखा होगा वो कोविड का वो दौर, क्योंकि हर परिवार ने कुछ ना कुछ खोया उस दौर, बड़े बड़े पैसे वाला भी असमर्थ था, वो कोई अपनी दूसरों की मदद तो छोड़ो अपनी मदद करने की स्थिति में भी नहीं था, लेकिन राजनीतिक लोग, क्योंकि राजनीतिक स्ट्रक्चर इस तरह का होता है
कि प्रशासन से लेकर, मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में सबसे अधिक ताकत यदि किसी के पास है तो या तो जनता के पास है या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास। रोशनी दिखाते हैं आप जीवन के हर अंधेरे में, रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस।